दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने में मात्र कुछ दिन शेष बचा हुआ है। ऐसे में BCCI और कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो सिर्फ विस्फोटक बल्लेबाजी करना ही जानते हैं और घातक गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों को ही टीम में शामिल किया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय एशिया कप 2023 खेला जा रहा है जिसमें भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी शानदार चल रहा है और हम सभी उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इस बार एशिया कप की चैंपियन बनेगी। वनडे वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार खेला जाता है। 2019 के बाद इस बार 2023 में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर रहा है। वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले भारत के घरेलू मैदान पर खेले जाएंगे। भारतीय टीम 2011 के बाद से कोई भी ICC ट्रॉफी जीतने में नाकामयाब रही है। आखिरी बार जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती थी तो उस समय वर्ल्ड कप भारत में हुआ था और अब की बार 2023 का वर्ल्ड कप भारत में ही होने वाला है। ऐसे में हम सभी क्रिकेट फैन से ही उम्मीद करते हैं कि 12 साल से ICC ट्रॉफी सूखा कप्तान रोहित शर्मा इस बार खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि BCCI और कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर भारतीय टीम में किन किन 15 सदस्यों को टीम में शामिल किया है जो कि अकेले के दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। वर्ल्ड कप की टीम में उन खिलाड़ियों को ही शामिल किया गया है जिनके पास एक्सपीरियंस और काबिलियत की कोई कमी नहीं है। साथ में आपको वनडे वर्ल्ड कप 2023 का पूरा कार्यक्रम भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ईशान किशन और संजू सैमसन में कौन सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो चलिए दोस्तों अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय टीम आखिरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद विराट कोहली ने टीम इंडिया के लिए कप्तानी की लेकिन निराशा ही हाथ लगी। मौजूदा समय में रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए कप्तानी कर रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को हरा दिया। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और रोहित शर्मा इस बार 2023 में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए तो उनकी कप्तानी भी छीनी जा सकती है। रोहित शर्मा को इस बार हर हाल में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना ही होगा, नहीं तो उन्हें अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ेगा। आने वाले समय में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए कप्तानी करेंगे। आपको बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी जिसका पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ AM चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में होगा और वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको बताते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए BCCI और कप्तान रोहित शर्मा ने किन 15 खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है, कौन से खिलाड़ियों को टीम में वापसी हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज को टीम में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों सुमन गिल और ईशान किशन को टीम इंडिया के लिए ओपनर बैटर के तौर पर टीम इंडिया में शामिल किया गया है। रोहित शर्मा, सुमन गिल, ईशान किशन या तीनों ही खिलाड़ी मौजूदा समय में एशिया कप खेल रहे हैं और तीनों ही का प्रदर्शन इस समय काफी लाजवाब है। सुमन गिल टीम इंडिया के घरेलू पिचों पर काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में उनका सबसे फेवरेट ग्राउंड है। वहीं पर दोस्तों बात करें कप्तान रोहित शर्मा की तो वनडे फॉर्मेट की बेताज बादशाह रोहित शर्मा के नाम वनडे में 3 दोहरा शतक है। रोहित शर्मा जब एक बार मैदान में सेट होते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की तबीयत खराब कर देते हैं। जबकि दोस्तों ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन लेफ्ट हैंडर विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। जब टीम इंडिया रनों की जरूरत थी तो ईशान किशन नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के संकट मोचन बने। जबकि दोस्तों मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए 4 धाकड़ खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और KR राहुल या 4 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। विराट कोहली जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में अभी तक 40 से अधिक शतक लगा चुके हैं, उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड हैं। ICC टूर्नामेंट में विराट कोहली बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। तो वहीं पर दोस्तों बात करें श्रेयस अय्यर की तो लंबे वक्त के बाद भारतीय टीम में वापसी की है, इस समय एशिया कप की टीम में शामिल है। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने 3 शतक बनाए हैं। जबकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव वनडे फॉर्मेट में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए लेकिन उन्हें फिर भी भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट में इस समय दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। सूर्या एक मैच विनर खिलाड़ी हैं। अगर वह T20 में तबाही मचा सकते हैं तो वनडे में भी घातक बल्लेबाजी कर सकते हैं। यकीन मानिए कि सूर्या इस बार वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया को चैंपियन बना। वहीं पर दोस्तों बात करें KR राहुल की तो चोट के चलते KR राहुल काफी लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर थे लेकिन उन्हें फाइनली एशिया कप में शामिल किया गया। लेकिन एक बार फिर KR राहुल नेट प्रैक्टिस में चोटिल हो गए।
अब वह पूरी तरह से फिट हो गए हैं और वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया में शामिल कर लिए गए हैं। के राहुल भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर खेलने के लिए प्रबल दावेदार खिलाड़ी हैं, लेकिन ईशान किशन की बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से देखने वाली बात यह होगी कि के राहुल या ईशान किशन में किसे नंबर 5 पर खेलने के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम में 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें पहला नाम हार्दिक पांड्या का है, जिन्हें भारतीय टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। इनके अलावा रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल को भी टीम में कप्तान रोहित शर्मा ने जगह दी है। हार्दिक पांड्या मौजूदा समय में टीम इंडिया के लिए सबसे प्रमुख ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, और जबकि रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर भी एशिया कप में इस समय काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा नेपाल के खिलाफ मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए थे। शार्दुल ठाकुर की बात करें तो शार्दुल ठाकुर भी एक विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ तेज गेंदबाजी के बीच जिम्मेदारी संभालते हैं। शार्दुल ठाकुर को टीम इंडिया में शामिल करना भारतीय टीम के लिए एक प्रमुख रणनीति है। शार्दुल ठाकुर ऐसे खिलाड़ी है जो कि बल्लेबाजी से ज़्यादा गेंदबाजी में योगदान रहता है। जब भी विकेट की ज़रूरत होती है तो कप्तान रोहित शर्मा शार्दुल ठाकुर से ही गेंदबाजी करवाते हैं। शार्दुल ठाकुर जोड़ी तोड़ने में बहुत ही मशहूर है, जबकि दोस्तों अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर स्पिनर गेंदबाज है। रविंद्र जडेजा के साथ उनकी जोड़ी मैदान में देखने को मिल सकती है। स्पिन गेंदबाजी के लिए प्रमुख स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को भारतीय टीम में मौका मिला है। यूजी चहल और आर अश्विन का सिलेक्शन वर्ल्ड कप में भी नहीं हुआ है। बीसीसीआई ने चहल और अश्विन से पहले कुलदीप यादव को टीम में रखा है। कुलदीप यादव के पास स्पिन गेंदबाजी का बहुत ही ज़्यादा अनुभव है। इस साल आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल से खेलते हुए कुलदीप यादव काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी का नज़ारा दिखा रहा था, जिसके चलते उन्हें एशिया कप और वर्ल्ड कप में दोनों में खेलने का मौका मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों तेज गेंदबाजी यूनिट की बात करें तो तेज गेंदबाजी का नेतृत्व जसप्रीत बुमराह करेंगे। इनके साथ ही मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी तेज गेंदबाजी का कमान संभालेंगे। यार्कर मैन जसप्रीत बुमराह इस बार वर्ल्ड कप में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी या दोनों टीम इंडिया के लिए बुमराह के साथ सबसे सफल गेंदबाज हो सकते हैं। मोहम्मद सिराज और शमी के पास रफ्तार की तो कोई कमी नहीं है। मोहम्मद शमी का स्विंग करते हुए गेंद बल्लेबाज का स्टंप कभी भी उखाड़ सकती है। मोहम्मद सिराज एटीट्यूड और धारदार गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, यार ये 15 सदस्यीय टीम जो वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए चुनी गई है, बीसीसीआई और कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने के बाद कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसमें पहला सवाल सामने एक बड़ा मुद्दा पकड़ लिया है कि संजू सैमसन और भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। या दोनों ही मैच विनर खिलाड़ी हैं, इनके पास ना तो एक्सपीरियंस की कमी है और ना ही किसी भी प्रकार की इंजरी है। संजू सैमसन को एशिया कप में शामिल तो किया गया, लेकिन स्टैंड बाई प्लेयर के रूप में, जबकि भुवनेश्वर कुमार को तो ना तो एशिया कप में जगह दी गई और ना ही वर्ल्ड कप की टीम में। एक समय था जब स्विंग के जादू भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया के लिए सबसे प्रमुख खिलाड़ी हुआ करते थे। भुवनेश्वर कुमार पिछले कुछ समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। उन्हें ना तो वेस्टइंडीज के दौरे पर शामिल किया गया और ना ही आयरलैंड के दौरे पर। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूजी चहल और आर अश्विन को स्पिन गेंदबाजी के तौर पर टीम इंडिया में क्यों नहीं रखा गया। चहल एक स्पिनर गेंदबाज है, जबकि आर अश्विन ऑफ स्पिनर गेंदबाज है। दोनों के नाम कई सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं। टेस्ट फॉर्मेट T20 से अधिक बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड अश्विन के नाम है। टॉप क्लास के गेंदबाज होते हुए भी भारतीय टीम में नहीं रखा गया।